हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2024 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने सिस्टम असिस्टेंट के 230 खाली पदों को भरने के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। कैसे, कब और कहां से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ दिनों पहले सिस्टम असिस्टेंट के 230 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। यहाँ पर आपका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। तो यहाँ पर अब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने होंगे और उनके साथ आपको टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, तो इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। डेट्स की अगर बात करें तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स कैंडिडेट से 4 जनवरी 2024 से 3 फरवरी 2024 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे। अब यहां पर आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 3 मार्च 2024 को कंडक्ट होने जा रहा है। एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो चुके हैं 21 फरवरी 2024 से, यानी कि आज ही से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर RHC सिस्टम असिस्टेंट एडमिट कार्ड आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। गाइस, यहां से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आकर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना है, वो यूजर नेम पासवर्ड जो आपने फॉर्म फिल करते समय क्रिएट किया था। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। या फिर गाइस, आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप करेंगे scraj.nic.in। उसके बाद आपके सामने राजस्थान हाई कोर्ट का ये पोर्टल खुलेगा। यहां पर आकर आपको लेटेस्ट अपडेट की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लेटेस्ट अपडेट का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहां पर आकर आपको रिक्रूटमेंट की इस टैब पर अपना कर्सर लाना है और यहां पर रिक्रूटमेंट की इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको सिस्टम असिस्टेंट 2023 आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको एडमिशन कार्ड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यही इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड या कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करें और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे कि कब आपका एग्जाम है, किस वेन्यू पर आपका एग्जाम है, कब आपको रिपोर्ट करना है, कब से कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किन किन चीजों को आप एग्जाम में कैरी कर सकते हो और किन किन चीजों को आप एग्जाम में कैरी नहीं कर सकते हो। सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस और डिटेल्स आपको आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड आउट करनी है। उसके बाद अपने एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। गाइज, आपको अपने एडमिट कार्ड के हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के साथ साथ ही अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर एक वैलिड फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा, जैसे कि कोई आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इन दो डॉक्यूमेंट के साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। बिना इनके एग्जामिनर आपको एग्जाम में बैठने के लिए अलाउड नहीं करेगा। आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड नोटिस PDF का लिंक भी दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिस ओपन होगा। यहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका एग्जाम 3 मार्च 2024 को संडे को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में कंडक्ट होने जा रहा है और आपके एडमिट कार्ड हैव बीन अपलोडेड जारी हो चुके हैं। आप अपने एडमिट कार्ड राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, जो स्टेप्स हमने आपको बताए हैं उनको फॉलो करते हुए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना राजस्थान हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट 230 पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।